महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदूलाल साहू के आदर्श ग्राम रावा में अभी तक कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण निराश हैं। हालांकि इससे पूर्व के ग्राम चर्रा में अच्छे विकास कार्य हुए हैं। धमतरी से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रावा को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदूलाल साहू ने गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की थी। आज से लगभग 8 वर्ष पहले उन्होंने इस ग्राम का दौरा कर यहां विकास कार्य के वादे किए थे, जो अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। रावा के पहले कुरूद ब्लॉक के ग्राम चर्रा को उन्होंने आदर्श ग्राम घोषित किया था, जहां करोड़ों के विकास कार्य हुए और वहां के ग्रामीणों को सुविधा मिली थी। वैसे ही सुविधा की उम्मीद रावा के ग्रामीण लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें मायूसी मिली। 4000 की जनसंख्या वाले इस ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल तो है, लेकिन ग्रामवासी बहुत कुछ चाहते हैं। गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध ग्राम रावा में मूलभूत सुविधाओं के लिए फंड की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां सड़क, पेयजल व्यवस्था, कला मंच, सामुदायिक भवन जैसी चीजों की जरूरत है और उन्हें बेहद उम्मीद थी कि उनके क्षेत्र के सांसद जब यहाँ पहुँचे और उन्होंने गोद लेने की घोषणा की तो वो सब पूरा हो जाएगा। लेकिन अब तक महज 2 बार ही पहुँचे सांसद के वादे अब पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी और फिर चुनाव आ जाएंगे। ऐसे में इस गाँव के लिए फंड मिलना मुश्किल है। हालांकि ग्रामीण अभी भी आस में है कि सांसद से मिलकर इस गाँव के विकास के लिए प्रयास करें। सांसद चंदूलाल साहू ने खुद स्वीकार किया कि वे रावा के गाँव में सिर्फ 2 बार पहुंचे हैं और कार्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में जो चर्रा गांव था, वहां 16 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें तालाब सौंदर्यीकरण, सीसी रोड, पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। रावा के पंच तिहारू राम ने बताया कि सांसद ने आकर यहां घोषणा की थी, वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। यहां पर एकमात्र कला मंच बना हुआ है। उन्हें उम्मीद है अपने क्षेत्र के सांसद से और इसके लिए सभी जन प्रतिनिधि मिलकर प्रयास करेंगे। चंदूलाल साहू है ना, और गोदले हुआ ते 7-8 महीना हो थे इसे, अभी काम धाम कोई चीज नहीं दे है। अभी काका मांग कर रहे हो? अभी मांग तो कह कर रहे, कहे कुछ हे बर तेला दे, एक ठंडी दे बर बनी से वे मंचला ये दे बाजार चौक किला, और अभी और कुछ काम नहीं दे दूँ कही के है। के बार आई है यहाँ? तो 2 बार आ है, पहले हुआ इसे 1 बार, 3 बार हो गए। तभी काका जरूरत महसूस होते हैं आप मतलब ये गांव में? अभी तो कलम ऊपर तो यही करें तो देश से हो बुला स्कूल वगैरह में कुछ हाँ रोड मांग कर रहे हैं सब, तो देहूँ कोई कहे सब लह करूँ कोई कहे है, अभी दे नहीं है। इस संबंध में कोई सुखर से संपर्क वगैरह करे हो आपने? उगर से वो दिन गए तो नहीं अमरीश ना गए रहता, बोला कहाँ बाहर गए कि से वे, तो उसके बाद में वो दिन उगीस ना रायपुर, तो मैं नहीं रहा हूँ दिन। अभी तब लोकसभा चुनाव आ जाए फिर वो हट भी सकते, तैसन में फिर यह काम नहीं हुई तो का लगा था अपना? अब दी ही कथन भाई, अब ये दे आओ जा ना, अब वो का दिन बला है इसी का है, दिन सरपंच पूछे तो नहीं बता बताए भर, फिर जाबो का दिन इसी का हाथ है। अब हम इस वक्त खड़े हैं धमतरी जिले के ग्राम रावा में, जिसे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदूलाल साहू ने गोद लिया है और वो आदर्श ग्राम इसे बनाने की घोषणा की थी। लगभग 8 से 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर किसी प्रकार के कार्य नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वो समझते हैं। सर, ये सांसद महोदय का घोषणा कर रही से? वो यही घोषणा कर रही से कि ग्राम रावला आदर्श रखूंगा, अपना गोदनामा रखूंगा पूरे, और का कहते 60 साल से आगे वाले को सबको वृद्धा पेंशन दिलाऊंगा, ऐसे के बोले रही जी। ओकर बाद में 60 साल के नहीं 56 साल के ला हमार गांव के मन 2-4 आदमी ला देवा है, और ओकर ले बड़े बड़े ले कोई नहीं देवा है, ही ला जानथन का खा के देवा है, कपी के देवा है, ते लो सरपंच पंच मन जानी। अभी कुछ काम ही है ओकर घोषणा करे के बाद से कोई काम नहीं हो रहा है। आप क्या क्या चाहते हैं आप गांव के लिए, क्या उनसे क्या क्या मांग किए थे? बहुत तो मांग बहुत रही से, जैसे नाली है, मतलब कई प्रकार के, मतलब अब बहुत दिन हो गए ना, मतलब छूट गए थे कर सती, अब याद नहीं है। अब जैसे गेट लगाए बर यह कह रही से बोला बनाऊँ ऐसे कह रही से, अब अभी तक लेना का जो कार्यकाल में काम नहीं हो, अभी के बार आ चुके हैं घोषणा करे एक बार ही एक बार उनिया है। आप क्या मानते हैं कि आपके गांव के लिए क्या प्रमुख जरूरत है? सांसद आदर्श ग्राम घोषणा कर चुके हैं, यहाँ की जरूरत तो बहुत सारा था मगर अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है। और सबसे प्रथम बात क्या है, आदर्श ग्राम घोषणा तो किया था
उसमें कि आपने आवास किया था, आवास में भी आप देखो आप जाकर जिस परिवार को दिया है उसमें दो और तीन को मिला है, जैसे माँ को मिला है बेटा को, फिर उसके बेटे को ऐसे करके, और जिसको मिलना चाहिए ना ये दूसरे और को, उसको एक भी नहीं मिला है। वही हाल आपका सेप्टिक भी वही हुई है, जिसका सेप्टिक ने पूरा गांव भर को सेप्टिक बनाकर देना था, मगर यहाँ पूरा सेप्टिक नहीं बन पाया है। और जैसे आदर्श ग्राम घोषणा की, उसके बाद कितने बार दौरा में आ चुके हैं गाँव यहाँ पर? शायद उसके बाद एक बार शायद आया था, मेरे को ऐसे पता नहीं, मैं अभी बाहर काम में रहता हूँ तो शायद नहीं आया बोल रहे हैं। तो आप क्या माने कि अब तो अब लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उसके बाद वो हट से भी सकते हैं, रह भी सकते हैं और आचार संहिता भी लग जाएगी, तो आपके गांव के जो भी काम कैसे पूरे होंगे फिर? आपको लगता है कि उन्होंने घोषणा की वो अधूरे रह जाएंगे? हाँ लग तो वैसे रहा, अब तो आचार संहिता लगेंगे फरवरी के बाद में, तो अधूरा तो होंगे ही ना, तो घोषणा तो बहुत सारा किया है मगर उसमें सभी एक भी अभी अमल में नहीं आए हैं। थोड़ा मायूसी होगी कि आदर्श ग्राम घोषणा किए तो एक अच्छा सा, आप लोग भी सपना देख रहे होंगे कि आपका गांव अच्छा हो, थोड़ी मायूसी जरूर होगी? हाँ सर ये तो जरूरी है, हम तो मायूसी बहुत हो रहा है भाई, आदर्श ग्राम का सपना देखे थे उसमें तो एक भी पूरा नहीं हो रहा है ना, पूरा होना चाहिए सर। ये थे धमतरी के जिले के रामा गांव के कुछ ग्रामीण, जहां पर लोगों ने बताया कि घोषणा तो जरूर की थी लेकिन वो कुछ भी पूरा नहीं होती थी, कि बहुत सारी यहां पे जरूरतें हैं, रोड नाली की जरूरत है, स्कूलों में अच्छा फर्नीचर ऐसे बुक्स की जरूरत है, युवाओं के लिए यहां पर कुछ ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिससे युवा जो है यहां से स्किल डेवलपमेंट सीख सके, साथ ही साथ अन्य बुजुर्गों के लिए भी सियान सदन कला मंच जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें आवश्यकता महसूस हो रही है लेकिन वो कुछ भी पूरा नहीं हो पाई है। इसके पहले जो उन्होंने चर्रा की घोषणा की थी, चर्रा में हालांकि बहुत कुछ उन्होंने डेवलप किया लेकिन यहाँ 8-10 महीने होने के बाद ग्राम रावा में हमको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, जिसे खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि वो आदर्श ग्राम घोषणा करने के बाद मात्र 2 बार ही वो यहाँ पहुंचे हैं, और अब देखना होगा कि आगे आचार संहिता भी लग जाएगी और चुनाव भी होगा, वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसके बाद क्या इस आदर्श ग्राम के जो सपनों को आगे कोई संसद पूरा कर पाएगा यह देखना होगा। ग्राम रावा से glimpse.in के लिए अपने सहयोगी संदेश गुप्ता के साथ मैं भूपेन साहू। For more information, log on to www.glimpse.in.